हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छे से सो के उठाओ, क्योंकि खुले आसमान में सोने का मज़ा ही कुछ और है। तो चलिए देखते हैं आज क्या होता है और क्या नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम आ चुके हैं हमारे सेटअप पे और मैंने लिया है ये वाला ट्रेड, और जो कि निफ्टी, देखो निफ्टी में एंटर किया हुआ है। आज कुछ इस तरह से मार्केट, आज की डेट है 13 अक्टूबर, तो ये हमारा ट्रेड है जो कि चल रहा है। और अगर हम देखें तो स्टॉप लॉस है हमारा 25 रुपीज़, जो कि 25 है, तो ऑप्शन में हम लगभग 12 से 15 रुपए का प्रीमियम डीके हम यहाँ तक ले लेंगे। और टारगेट हमारा हो जाएगा ये जो गैप है, कम से कम यहाँ तक तो हम इसको टारगेट ले सकते हैं आज के लिए, जो हो जाएगा लगभग 65 रुपीज़ स्पॉट प्राइस पे। ओके, तो चलिए देखते हैं कि कैसे रहता है हमारा ट्रेड। और ये है मेरा कुछ सेटअप ट्रेडिंग के लिए। ये लैपटॉप है जो डेस्कटॉप से कनेक्ट है, ये कुछ स्पीकर वगैरह, ये कीबोर्ड, माउस। ओके, चलिए देखते हैं जो होता है, मैं आप लोगों को एंड में बता दूंगा। चलो ठीक है, बाय। हेलो एवरीवन, जैसे कि हमने सुबह ट्रेड लिया था, उस हिसाब से हमारा ट्रेड बिल्कुल हमारे फेवर में चल रहा है। अभी टारगेट लगभग अचीव होने वाला है। और ये ट्रेड ऐसा है कि हम इसको BTST बोल के भी ले जा सकते हैं, होल्डिंग में भी इसको ले जा सकते हैं हम। तो देखेंगे हम कितना ले सकते हैं आज के दिन। ओके, क्योंकि आज फ्राइडे है तो दो दिन मार्केट बंद रहेगा, तो शायद मंडे को गैप अप खुल जाए या थोड़ा सा गैप डाउन खुल जाए तो हम निकल जाएंगे हमारे टारगेट पे। जैसे ही हमारा टारगेट हिट करता है हम निकलेंगे। मार्केट ओवरऑल बुलिश ही है, इस के लिए मैंने जो एनालिसिस की थी वो बुलिश साइड ही थी। यहाँ पे थोड़ा गैप डाउन हुआ था, उसके बाद अच्छा खासा अप चला गया था, तो मैंने वेट किया, थोड़ा नीचे आने दिया, फिर यहाँ कहीं मेरी एंट्री थी। ओके, यहाँ कहीं मेरी एंट्री ही थी लगभग इसी कैंडल के आसपास कहीं पर, उसके बाद थोड़ा नीचे आया था, फिर अच्छा खासा यहाँ पे डबल बॉटम बना के एक बहुत ही बढ़िया मूव इसने दे दिया है। लगभग 1:30 बजने वाला है अभी, तो देखते हैं कि क्या ये हमारे टारगेट से थोड़ा सा अगर यहाँ तक मिल जाता है तो बहुत बढ़िया टारगेट मिल जाएगा। लेकिन देखेंगे हम होल्ड कर कितना कर सकते हैं देखेंगे, और अगर अच्छा मूव आ जाता है तो फिर हम इसे होल्डिंग में लेके जाएंगे, अगर ये अच्छा मूव देके इसके ऊपर निकल जाता है तो। लेकिन अगर यही अगर स्टक हो जाता है तो हम इसको निकाल देंगे। तो चलिए मिलता है एंड में, बाय। तो फाइनली हमारा टारगेट अचीव हो चुका है, लेट्स सी, देख सकते हो आप लोग। और मार्केट यहाँ से और बुलिश रहेगा, पर ज़्यादा लालच नहीं करना है क्योंकि फ्राइडे है और मार्केट अगले पूरे हफ्ते बुलिश ही रहने का ऐसा कुछ लग रहा है अभी फ़िलहाल तो। बट सुबह से जो मूव दिया है उसने, वो ये मेरा टारगेट जो है वो अचीव लगभग हो चुका है। अभी बज रहे हैं 130-140 के आसपास हो रहा है। ओके, देखो यहाँ से थोड़ा रिजेक्शन तो ले रहा है, पर मुझे लगता है कि ये थोड़ा और अपसाइड जा सकता है, पर ज़्यादा लालच नहीं करनी। मैंने अपना जो ट्रेड था वो क्लोज कर दिया है, मैं स्क्रीनशॉट एंड में लगा दूंगा, आप देख लेना। ओके, चलो फिर मिलते हैं, बाय। कल नहीं, अब डायरेक्ट मिलेंगे और ट्रेडिंग को मिलेंगे, बीच में कोई रैंडम वीडियो आ सकता है। ट्रेडिंग के लिए मिलेंगे सीधा मंडे। चलो बाय, टेक केयर।